ओप्पो A78 5G और सैमसंग A14 5G, ये रेस जो है 5G फोन्स की ये चालू है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि दोनों ही फोन्स 15,000 रुपए के आसपास कहीं लॉन्च होंगे, क्योंकि इस वक्त 15,000 के नीचे 5G फोन्स की बहुत ही ज्यादा किल्लत है, बहुत ही ज्यादा कमी है, और ये जो किल्लत है इसको ये दोनों फोन्स भी पूरा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जहां A78 5G जो ये ओप्पो का फोन है इसका एक ही वेरियंट आता है 8GB 128GB जिसकी कीमत है 18-19,000 रुपए, वहीं सैमसंग A14 5G की कीमत है बेस वेरिएंट जो कि है 4GB 64GB 128GB उसकी कीमत है लगभग 16,500 रुपए, और ये ऊपर जा करके करीबन 22-23,000 रुपए तक चला जाता है। तो कोई भी फोन 15,000 रुपए के आसपास नहीं आ पाया, लेकिन दोनों ही फोन्स 5G हैं, अलग अलग प्रोसेसर पर रन करते हैं, तो इन दोनों ही फोन्स में से कौन सा फोन ज्यादा स्पेक्स आपको ऑफर करने वाला है, और एक फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से मैं इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन आपको रिकमेंड करता हूं, ये मैं आज इस वीडियो में बता दूंगा आपको। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है उसे भी दबा लें, और हम करते हैं स्टार्ट डिजाइन से। तो इन दोनों फोन्स में आपको सामने की तरफ टीयर ड्रॉप नॉच मिलती है, तो सेंटर में वो टीयर ड्रॉप है, और अगर बेजल्स की बात करें तो आपको दोनों ही फोन्स में एक अच्छे खासे साइज के जो बेजल्स जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो जो सैमसंग का बेजल है वो ओप्पो के बेजल के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा लगा मुझे। सैमसंग में आपको मिलती है 6.6 इंच की डिस्प्ले, वहीं ओप्पो में मिलती है आपको 6.56 इंच की डिस्प्ले। लेकिन सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है मेरे जैसे यूजर के लिए वो ये है कि सैमसंग में आपको जो LCD पैनल मिलता है ये फुल HD+ पैनल है, वहीं 18,500 रुपए के फोन में ओप्पो A78 में आपको एक HD+ पैनल मिलता है, जो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है, और आगे चल के शायद से मुझे ये जो पैनल है बहुत निराश करेगा, और शायद से मैं इस पर एक बहुत बड़ा जजमेंट बना सकूंगा अपने फाइनल वर्डिक्ट में। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो आपको यहाँ पर एक स्टीरियो सेटअप मिल जाता है, और नीचे की तरफ अगर ओप्पो A78 की बात करें तो यहाँ पर इसका टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, फिर इसका प्राइमरी माइक्रोफोन है, हेडफोन जैक है, जो अच्छी चीज़ है, अब बजट फोन्स में मिलनी चाहिए और मिल रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है अभी भी वायर्ड हेडसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक क्रेज है टूवर्ड्स TWS, लेकिन अभी भी बहुत सारी जनता जो है वायर्ड हेडसेट्स का इस्तेमाल कर रही है, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। साइड की तरफ यहाँ पर आपको इसका फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो कि लॉक अनलॉक बटन भी है, और ऊपर की तरफ एज सच कुछ नहीं है, ना कि कोई सेकेंडरी माइक्रोफोन, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, और इस तरफ इसका सिम ट्रे है, और यहाँ पर है इसकी वॉल्यूम रॉकर्स। अब वहीं बात करें अगर सैमसंग A14 की, तो एक चीज और मैंने जो नोटिस करी इसमें, आगे बढ़ने से पहले बताता हूँ कि जो अगर सैमसंग का जो फोन है दोनों में ही आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है, चाहे वो A78 है चाहे वो सैमसंग A14 है, और प्लास्टिक बैक है दोनों में ही। डिजाइन की भी बात कर रहे थे तो हम लोग वो भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, कि ओप्पो में आपको एक अलग सा ग्रेडियंट फिनिश मिलता है, तो अगर आप थोड़ा सा ग्लिटरी डिजाइन, थोड़ा सा चटक ब्लिंक पसंद करते हैं तो ये डिजाइन आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। और एक चीज जो मुझे पसंद आई है ओप्पो में वो है ये दिस कर्व, जो हल्का सा रिफ्लेक्टिव है, और बाकी जो है वहां पर आपको ग्रेनी सा फिनिश मिलता है, थोड़ा सा ग्लिटरी सा फिनिश है, तो कई लोगों को ये पसंद आ सकता है। ओप्पो और वीवो का ही हमेशा रहा है कि वो इस तरह के डिजाइन ऑफर करते हैं। ओप्पो A71 में आपको ये दो सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल मिलता है, जिसमें नीचे की तरफ जो है दो कैमराज नहीं है, एक ही कैमरा है और नीचे LED फ्लैश है, ऊपर की तरफ इसका मेन कैमरा है। तो ये तो थी ओप्पो A78 की बात, वहीं अगर बात करें A14 की, तो ये थिकनेस के मामले में ओप्पो से काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है अगर आप देखें, और बहुत ही ज़्यादा बल्कि ये फ़ोन लगता है अगर आप इसे हाथ में होल्ड करते हैं। साइज़ में भी बड़ा है क्योंकि डिस्प्ले बड़ी है, और जो वज़न है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा लगा है मुझे, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है इसका थिकनेस, काफ़ी ज़्यादा थिक है, और एक 16,500 रुपये के फ़ोन में मैं इतनी ज़्यादा थिकनेस एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। खैर कलर की बात कर लेते, ये कलर देख करके आपको सैमसंग S22 Ultra की याद आ रही होगी, ये कलर उससे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया था और बहुत लोगों ने इस कलर को पसंद किया था, तो शायद से सैमसंग ने वही कोशिश करी है कि हम कुछ ट्रेंडी कलर्स, कुछ ट्रेंडी डिजाइंस को वापस से इन बजट फोन्स में रखते हैं। और S22 की याद आपको ये देखकर भी आएगी, कैमरा मॉड्यूल को देखकर भी, जो बम्प है कैमरा बम्प वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पर। अब इसकी बात कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी मैं इसके पोर्ट्स की बात भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको हेडफोन जैक मिलता है इस फोन में भी, प्राइमरी माइक्रोफोन है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल है, और साइड की तरफ इस तरफ लेफ्ट में है इसका ये सिम स्लॉट, और राइट में है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर, और ऊपर वॉल्यूम रॉकर, फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर भी वही जो लॉक अनलॉक बटन पे उसी पर इंटीग्रेटेड है। अब एक चीज़ जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो देखेंगे अगर ध्यान से, आपको शायद से कैमरे पर नजर ना आए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा गैप है डिस्प्ले और बॉडी के बीच में, गैप एज इन डिस्प्ले उखड़ी हुई नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी हाइट है डिस्प्ले पर जो आपको फील होती है जब आप इस फोन को इस तरह से कर्व को टच करते हैं, तो ये
एक फ्लो में नहीं है, लेकिन हल्का सा गैप दिखता है डिस्प्ले के बीच में और बॉडी के बीच में, जो थोड़ा सा मैं इस प्राइस के फोन से तो एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्ले की बात मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पर आपको एक फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिलती है, वहीं ओप्पो A78 में आपको एक एच डी प्लस डिस्प्ले मिलती है। तो आप यूट्यूब पर बेशक फुल एच डी कॉन्टेंट इन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन जो रेजोल्यूशन है आपको बाई डिफॉल्ट जो है वो एच डी पर ही चलेगा। सो जो लोग कंटेंट कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, कंटेंट देखते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों के लिए ये फ़ोन सही फिट नहीं है। तो कैमरास की बात कर लेते हैं, तो ओप्पो A78 में मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, नीचे है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। वहीं सैमसंग A14 में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। कौन सा वाला है वो आप मुझे कमेंट्स बता देना, कि बीच वाला है कि ऊपर वाला है। खैर, एक है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, फिर है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। वैसे सच बताऊं तो आपको कि 2 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर्स की हमें शायद से कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी ब्रांड्स दे रहे हैं, लोग खुश होते हैं अभी भी ज़्यादा कैमरा के नंबर्स देख करके। खैर, जल्दी से मैं आपको इन दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा देता हूँ। ये रही कुछ फोटोज आपकी स्क्रीन पर। तो इन दोनों ही फोन्स में से किस फोन के कैमरा सैंपल्स आपको ज्यादा पसंद आए मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो जो सैमसंग का फोन है सैमसंग A14, ये अलग अलग वेरिएंट्स में आता है, 4GB रैम से लेकर के 8GB रैम तक। वहीं जो ओप्पो A78 5G है ये सिर्फ एक ही वेरियंट में आता है, विच इज 8GB 128GB। अब सबसे बड़ा जो डिफरेंस बनाएगा इस गेम में वो है इनके प्रोसेसर। जहां पर उम्मीद की जा रही थी कि सैमसंग A14 5G एक डायमेंसिटी के प्रोसेसर के साथ आएगा, मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 से उम्मीद की जा रही थी कि वो इस फोन में डाला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर सैमसंग ने अपना खुद का बनाया हुआ है सैमसंग एक्जिनोस 1330 इसमें डाला है, जो सैमसंग कहता है कि अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर कर सकता है। वहीं ओप्पो A78 5G में मिलता है आपको डायमेंसिटी 700, जो कि 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है और करीबन 2-3 साल पहले आया था, तो एक पुराना प्रोसेसर है, लेकिन अपने प्राइस रेंज में अच्छी परफॉर्मेंस डायमेंसिटी 700 ऑफर जो है वो करता है। और अब परफॉर्मेंस की बात करें तो आप दोनों ही फोन्स पर बहुत ज़्यादा तगड़ी गेमिंग जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन डायमेंसिटी 700 जो है वो एक रिलायबल परफॉर्मेंस ऑफर करता है जब आप कुछ टाइटल जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं या फिर एपेक्स लेजेंड्स खेलते हैं या फिर यहाँ तक कि फायरलाइट खेलते हैं, तो आप मिड रेंज गेमिंग जो है इन दोनों ही फोन्स पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और दोनों ही फोन्स आपको मिड रेंज गेमिंग जो है वो आराम से स्मूथली करवा पाएंगे। तो परफॉर्मेंस से आगे बढ़कर अब हम बात कर लेते हैं बैटरी की। तो सैमसंग A14 और A78, ओप्पो A78 दोनों में ही आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है इन दोनों फोन्स में वो है चार्जिंग स्पीड्स और चार्जर। जहां पर A14 के साथ आपको कोई चार्जर इन द बॉक्स नहीं मिलता है, वहीं ओप्पो A78 5G आता है 33 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ, और जिस प्राइस पर ये आ रहा है वो ऑलमोस्ट इसी के बराबर है, लेकिन आपको साथ में एक 33 वॉट का चार्जर मिलता है। जो ये प्राइस रेंज है इसमें ज़्यादातर लोग चार्जर एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि बजट फोन्स हैं, वहाँ पर चार्जर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मैं इस मामले में इसको बेशक एक अपर हैंड दूंगा। लेकिन अगर ओवरऑल चार्जिंग स्पीड की बात करें या चार्जिंग की बात करें तो दोनों में 5000 mAh की बैटरी है, यहाँ 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, वहीं यहाँ पर जो है 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है। तो ऑब्वियसली ये फ़ोन जल्दी चार्ज होता है और करीबन एक घंटे 15-20 मिनट में ये फ़ोन फुल चार्ज हो सकता है, वहीं इसको लगभग 2 घंटे का समय आराम से लग जाता है। तो दोनों ही फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 के साथ रन करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है। जहां पर ओप्पो A78 कलर OS 13 पर रन करता है, वहीं ये वन UI कोर 5 पर रन करता है। तो जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो आपको बेशक मिलता है, लेकिन अगर ब्लॉटवेयर की बात करें तो आप साइड बाई साइड देख सकते हैं, ये है ओप्पो A78, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा ब्लॉटवेयर जो है इन तरह की ऐप्स में, हॉट ऐप्स जो है, इस तरह के जो डायरेक्ट इनके स्टोर्स हैं वो दिख जाते हैं, नेटफ्लिक्स इसमें प्री डिफॉल्ट है, स्पॉटिफाई प्री डिफॉल्ट यहाँ पे मिल जाती है आपको, कई सारी ऐप्स जो हैं वो आपको फ्री में मिल जाती हैं, शेयर चैट है, पब्लिक है, तो इस तरह के बहुत सारे ऐप्स यहाँ पर है। लेकिन जब बात करते हैं सैमसंग की तो सैमसंग से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो इस तरह का एक्सपीरियंस अपने यूज़र को देगा। बहुत सारी ऐप्स तो नहीं हैं और ख़राब ऐप्स तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसे अमेजोन है, प्राइम वीडियो है, स्नैपचैट है, बाइजूज है, डेली हंट है, ट्रू कॉलर है, ये इसमें प्री डिफॉल्ट, और ये फ़ोन अभी बिल्कुल फ्रेश है, इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इस तरह की बहुत सारी ऐप्स आपको यहाँ पर प्री डिफॉल्ट मिल जाती हैं, जिन्हें आप अनइंस्टॉल तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐप्स बेशक आप इस्तेमाल करेंगे जैसे कि अमेजोन है, प्राइम वीडियो है, लेकिन वो तो यूज़र की चॉइस है ना, उसे क्या इस्तेमाल करना है, आप पहले से दे दोगे क्या मज़ा है फिर उसमें।
हमें भी तो इंस्टॉल करने का मौका मिले। खैर, ये तो था ओप्पो A78 और सैमसंग A14 का साइड बाय साइड स्पेक कंपैरिजन और मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस ऑन दीज फोन्स। अब इन दोनों में से किसी एक फोन को आगे रखना है तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जहां आपको A78 के साथ एक बेहतर चार्जिंग स्पीड मिलती है, इनबॉक्स चार्जर मिलता है, वहीं यहां पर आपको बेशक चार्जर नहीं मिलता लेकिन आपको अच्छा डिस्प्ले मिलता है, सैमसंग का ब्रांड वैल्यू मिलता है, एक अच्छा ओएस भी मिलता है। लेकिन सच बताऊं तो इन दोनों फोन्स में से मेरे लिए एक फोन चुनना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, जिसमें आप मेरी हेल्प कर सकते हैं कॉमेंट करके कि इन दोनों फोन्स में से आपको कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लगा है, बेहतर लगा है, और अगर आपको मौका मिले तो आप इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन खरीदेंगे, मुझे कमेंट जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे गोविंद को जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।